राम राम राधे राधे। और अब पहुंच चुके हैं हम गोवर्धन, और अब होने वाली है गोवर्धन की परिक्रमा। सबसे पहले करेंगे हम लोग नाश्ता, और ये गोवर्धन गोवर्धन ही तो पहुँचेगी भैया। तो गोवर्धन पहुंच चुके हैं, और यहां से अब गोवर्धन की परिक्रमा, मतलब पहले प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर करेंगे हम परिक्रमा गोवर्धन की। सबसे पहले हम करने वाले हैं नाश्ता, क्योंकि अभी तक हमने सुबह से कुछ नहीं लिया है, सिर्फ प्रसाद खाया था और एक कप चाय ली। और यहाँ पे भीड़ है बहुत ज़्यादा, शायद कैंसिल किया जाएगा प्रोग्राम। राधे राधे। एक कचौड़ी ले लो, ले लो, और वहाँ पे थी बहुत ज़्यादा भीड़, और भीड़ को देखते हुए आ चुके हैं हम अलग अब कहीं। और क्यों पहले प्रसाद चढ़ेगा नाश्ता, क्या कह रहे हैं जो अब नाश्ता कैंसिल हो चुका है, सबसे पहले प्रसाद चढ़ेगा, प्रसाद चढ़ने के बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो चलिए पहले प्रसाद चढ़ा देते हैं। हमारी गोवर्धन की परिक्रमा हो चुकी है स्टार्ट, यहाँ से हमने गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। और यहाँ भक्ति भाव देख सकते हैं, दंडवत परिक्रमा की जा रही है, ये देखिए, मतलब यही भक्ति भाव होता है। और मतलब मेरे को तो पैदल चलने में भी के कैसे होगा, लेकिन यहाँ मैं इन लोगों के भक्ति भाव देखकर, ये देखिए कितने बुज़ुर्ग हैं अंकल जी, और दंडवत, ये देखिए दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो इन लोगों को देख के ही मेरे अंदर भी, और गोवर्धन महाराज की कृपा से बस पैदल यात्रा शुरू कर दी। तो आप लोग भी बने रहिएगा, गोवर्धन महाराज सब पे कृपा करेंगे। और बस यात्रा हो चुकी है शुरू, तो आप भी चलिए लेके राधे का नाम। राधे नाम अपार बोलो श्री राधे राधे, राधे नाम अपार बोलो श्री राधे राधे। थोड़ा सा ही चले थे हम लोग, और ये सामने देख सकते हैं आप कि पूरा सब ये गोवर्धन महाराज ही हैं जिनकी परिक्रमा होनी है। थोड़ा सा स्टार्ट किया था, थोड़ा सा चल के आ चुके हैं, यानी कि चल के आए होंगे आधा किलोमीटर के आसपास। और अब जैसे कि सुबह से जलपान नहीं हुआ था, चाय वगैरह नहीं हुई थी, तो यहाँ रुक गए हैं, और रुक के यहाँ पे जीजा जी टी वगैरह लेंगे चाय, और चाय के बाद मतलब कुछ जलपान करने के बाद करेंगे आगे परिक्रमा शुरू। तो देखिए पता नहीं परिक्रमा करते समय मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ या नहीं, इसलिए सोचा कि अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यही है सामने गोवर्धन महाराज जिनकी परिक्रमा हो रही है, देख सकते हो। और एक चीज़ मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोग लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। अपने सामने अगर आप देखेंगे तो इधर 70-80 साल के बुजुर्ग बाबा जी हैं, ये सामने 75 साल के तो हैं, 75 साल से तो कम नहीं है, और 80 ही मान लो मेरे अनुमान में, तो 75 या 80। और देखिए लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, मतलब ये है महिमा गोवर्धन महाराज की, बाकी बिहारी की, ये मन की श्रद्धा मन के भाव जो लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। और अब जीजा जी पहुंच गए हैं उनके पास वार्तालाप करने, तो देख सकते हैं क्या श्रद्धा भाव है। अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया हमने गोवर्धन की परिक्रमा, आ चुके हैं हम वन के अंदर। और जैसा कि इधर आप देखोगे तो गोवर्धन का पर्वत, गोवर्धन महाराज, और हाथों में है सैंडल, और नंगे पैर कर रही हूँ मैं यात्रा परिक्रमा, परिक्रमा नंगे पैर काफ़ी चल के आ चुके हैं, और मेरे को तो थकावट भी बहुत जल्दी हो रही है। लेकिन जो ब्रज की रज धूल है वो लग चुकी है माथे पे, तो मंजिल जल्दी होगी पूरी। अब देखते हैं ये परिक्रमा पूरी कर पाती हूँ या नहीं, देखते हैं। और मेरे साथ के सभी लोग आगे आगे और मैं सबसे पीछे, दो कारण हैं, वीडियो भी और थकावट भी। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचती हूँ, सबको पकड़ती हूँ कितनी देर में, ठीक है।
आएंगे बिहारी राधे राधे जब ले आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार, ये आएंगे बिहारी चले गे बिहारी राधे राधे, अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार राधे राधे। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल और कितना प्यारा दृश्य, सामने गोवर्धन महाराज और परिक्रमा करते हुए और राधे नाम का जप करते हुए। देखो हमें रास्ते में मिल गए कुछ साथी और साथी के साथ इतना प्यारा सा बच्चा। हेलो कर दो, हेलो, इधर इधर इधर, हेलो। और परिक्रमा करते करते बीच में आ चुका है ये गांव जिसका मुझे नाम नहीं मालूम है कौन सा गांव है। ये किसी स्ट्रेंजर का घर है। अच्छा हाँ, सच्ची सच्ची पक्का कह रहा हूँ है। हाँ, वहाँ देखो हेलो गाँव। और पीछे भी वो देखो फवारी, वो देखो माउंटेन। वाओ देखो माउंटेन। अब ये बताएगा क्या क्या है यहाँ पे। ये सामने है माउंटेन और गौ माताएं इतनी सारी हैं, बहुत सारी गौ माताएं। ये जो गांव है इसी में आप बाहर देखो इतनी सारी गौ माताएं हैं। और पीछे दीदी भी आ रही है और बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है यहाँ पे परिक्रमा करते हुए। मोनिका सोचा था इतना अच्छा नहीं सोचा था, इतना अच्छा नहीं सोचा। तीर्थ पे आके तो कुछ अलग ही लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो दीदी रूस से हैं जो हमें अभी परिक्रमा करते हुए मिली हैं पीछे। और माधव जी भी खुश हैं, थमकते हुए चले आ रहे हैं गोद में बैठे हुए। और देखो कितने सारे गौ पशु यहाँ पे। सुबह हम लोगों ने मंगला आरती में दर्शन किए, सेवा की, पूजा की। खाती हूँ आप लोगों को बहुत सारी भेड़। अभी तक मैंने आपको गाय दिखाई, भैंस दिखाई, लेकिन अब देखो भेड़, इतनी सारी भेड़। देखो अलग अलग तरीके की भेड़ दिखाना अंकल जी, एक फोटो दिखाना। ये देखो कितनी भेड़ है ना अंकल, ये देखो भेड़ कितनी कितनी सारी भेड़ है यहाँ पे, ये देखो। अरे वाह कितनी सारी, घर के अंदर से निकल के आ रही है, ये देखो कितनी सारी भेड़ है। वाह इतनी सारी भेड़ एक ही घर से निकल के आ रही है, पहली बार देखा मैंने ऐसा। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही मनोरम, मन बहुत अच्छा खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। क्यों मैं आप लोगों को गोवर्धन पर्वत, ये देखिए लगे हुए हम लोग परिक्रमा में और बिल्कुल करीब से, ये देखिए इधर है गांव, इधर है गांव और इधर है पर्वत और नीचे पथरीले पत्थर लग गया पैर में। और परिक्रमा कर रहे हैं हम नंगे पैर, वो देख सकते हो मेरे हाथ में है सैंडल, नंगे पैर सभी लोग परिक्रमा में लगे हुए हैं लेके राधे राधे नाम चलते जाओ। और बहुत ज़्यादा अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे नुकीले पत्थर हैं कि छोटे बच्चे की हिम्मत। ये भी कर रहा है परिक्रमा, बोलो राधे राधे, राधे राधे, यस आइए। और कितने नुकीले पत्थर, आजा बेटा आजा, आराम से आना। और ये देखो ये है पूरा पत्थर और पीछे आ रहे हैं सारे लोग, ये देखो सारे लोग पीछे आ रहे हैं और सामने से भी, ये देखिए कितना प्यारा। आराम से चलो आराम से। और देखा है आपको दिखा दिया, ऐसे नुकीले नुकीले पत्थर हैं रास्ते में। यात्रा करते करते देख सकते हो इतने सारे बानर और उनको प्रसाद देने के लिए लिए जा रहे हैं बेर और केले। और देख सकते हो कितने सारे बानर हैं, तो यहाँ पे रास्ते में बानर और गौ बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा। और इन्हीं के लिए प्रसाद के लिए रहता है यहाँ पे केला बेर चने ये सब। और देख सकते हो पीछे पूरे में बानर ही बानर है, पूरे में बानर बानर, ये देख सकते हो आप। और इधर ये गोवर्धन महाराज, गोवर्धन पर्वत,
अब मेरे चेहरे पे आप लोगों को थकावट लग रही होगी क्योंकि काफ़ी चल के आ चुके हैं हम लोग, 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं हम लोग और थकावट कंटिन्यू चल रहे हैं। बस बीच में थोड़ा थोड़ा 5 मिनट इस तरह से रुके हैं, बाकी कंटिन्यू चल रहे हैं। अब मैं यहाँ वीडियो शूट तो कर रही हूँ लेकिन इतने सारे बैनर्स हैं ना, देख के डर भी लग रहा है कि कहीं कैमरा जाता ना रहे, पर चलिए थोड़ा सा आप लोगों को ये दृश्य दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसीलिए। और वो लोग अभी लगे हुए हैं ख़रीदने में। मैं सबको पीछे छोड़ते हुए आ चुकी हूँ आगे और अकेली ही लगी हुई हूँ परिक्रमा करने में, बाकी सारे लोग पीछे पीछे इकट्ठे आ रहे हैं। और यहाँ पे एक भक्त देखिए दंडवत परिक्रमा करते हुए, इनकी भक्ति भाव देखिए और क्या कहा जाए राधा रानी के बारे में और कन्हैया लाल के बारे में, उनकी महिमा तो आप सब जानते होंगे, जितना गुणगान करूँ उतना कम ही कम है। और यहाँ भक्तों की भक्ति देख लीजिए, क्या दंडवत परिक्रमा की जा रही है और थक भी बहुत चुकी हूँ मैं, लेकिन अपनी मस्ती में मस्त होते हुए उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि वो लोग बानरों को खिला रहे थे प्रसाद, तो उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए आ चुकी हूँ मैं आगे और अपनी मस्ती में धीरे धीरे आराम से लगी हुई हूँ परिक्रमा करने में। तो चलिए चलते रहिए और पीछे वाले भक्त को देखिए, ऐसे बहुत से भक्त मिले हैं जो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे। और देख सकते पीछे कितनी सारी गौ माताएं हैं और यहाँ पे हमारी माता जी चारा लेके, क्योंकि जो भक्त लोग आते हैं वो यहाँ से चारा लेके, और अच्छा माना जाता होगा ना। हाँ। सुरभि कुंड की गाय है, सुरभि। अच्छा, सुरभि कुंड की गाय है। हाँ, और यहाँ पे ये माता जी गाजर चना और क्या बेर लेके बैठी हुई है, और यहाँ पे गौ माताएं इतनी सारी माताएं बैठी है गौ, देखिए तो ये गौ सेवा के लिए यहाँ पे हैं। और आप यहाँ के ये देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत, जहाँ ना मिट्टी है ना कुछ है, और पत्थरों में ही इतने सारे पेड़ पौधे निकले हुए हैं। तो ये महिमा है गोवर्धन महाराज की। और देखो गौ, तो कितनी सारी गौ हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर माताएं सेवा में लगी हुई है। बस जो भक्त जन आते हैं वो यहाँ से चारा लेते हैं और गौ सेवा करते हैं, बहुत सुंदर जी। और हम बहुत ज्यादा थकने के बाद रुक चुके हैं यहाँ पे पॉइंट पे, देखो, और खूब मस्ती चल रही है इन लोगों को, क्योंकि जीजा जी को देखो, जीजा जी, जीजा जी, ठीक है। और यहाँ पे थकने के बाद रुके हैं हम लोग, ये देखो सारे लोग बैठे हुए हैं, मजा। और कितना प्यारा व्यू जहाँ हम लोग रुके हैं। और इससे आगे बस थोड़ी सी दूर और है मंजिल, और उसके बाद चलने वाले हैं। ये देखो छोटा सा माधव, हमारी ये परिक्रमा देख सकते हैं, हम बन से आ चुके हैं बाहर, ठीक है, रोड पे आ चुके हैं, संपन्न हो चुकी है, बस कुछ कदम और चलना है और उसके बाद हमारी ये एक परिक्रमा कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है वो 11 किलोमीटर एक है, और उसके बाद 9 किलोमीटर एक है, जो 9 किलोमीटर है उसको छोटी परिक्रमा बोला जाता है, और जो 11 किलोमीटर है 11 या 12 किलोमीटर है उसको 11 किलोमीटर उसको बड़ी परिक्रमा बोला जाता है। तो मैंने 11 किलोमीटर कर लिए हैं कंप्लीट, यानी कि बड़ी परिक्रमा जो थी वो कंप्लीट कर ली है। बाहर आ चुके हैं हम लोग गोवर्धन महाराज के वन से बाहर आ चुके हैं, और अब आगे देखते हैं छोटी परिक्रमा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गोवर्धन महाराज की कृपा से बहुत अच्छे से एक परिक्रमा पूरी कर ली है हमने। बोलो राधे राधे। और अब हम बैठ चुके हैं ऑटो में, क्योंकि हमारी 2-3 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई थी और यहाँ होने लगी बारिश, और गोपाल जी थे साथ में, तो इसलिए ऑटो करना पड़ा। यानी कि बाकी बिहारी जी हैं और गोवर्धन महाराज हैं, उनको पैदल नहीं करवानी थी परिक्रमा, इसलिए हमारी 3-4 किलोमीटर की परिक्रमा हो रही है ऑटो से, बाकी हमने पूरी परिक्रमा करी है पैदल। आपको हमने गोवर्धन घुमाया है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।
कमेंट करके जरूर बताइएगा और राधे राधे जरूर लिखिएगा कमेंट में। देख सकते हो भीग चुके हैं हम लोग और अब आके बैठे हैं एक टी स्टॉल पे, यानी कि यहाँ पीने वाले हैं चाय। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। कहते हैं ना राधा रानी को ज़्यादा नहीं चलाना था हमें, इसीलिए हमारी जो परिक्रमा है उसमें 2-3 किलोमीटर उन्होंने हमें ऑटो से चला दिया। और देख सकते हो बारिश के कारण सभी लोग चाय के स्टॉलों पे पहुंच रहे हैं। ये एकदम बंद हो गई, बारिश हो चुकी है काफ़ी तेज। जैसा कि मैंने बोला था राधा रानी ने, मेरे को नहीं मालूम था कि मैं वो परिक्रमा पूरी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन राधा रानी के कारण मैं परिक्रमा पूरी कर पाई। बस आगे जो उनकी इच्छा थी, उन्हें पैदल नहीं चलाना था और उन्होंने मुझे पैदल नहीं चलाया। तो बस आगे जैसे जैसे रहेगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे हम, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और जो भी नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठंडा हो चुका है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है।